नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज आपको थंबनेल YouTube के मेरे थंबनेल में दिख रहा है कि आज मैं उत्तराखंड आबकारी से संबंधित उत्तराखंड की 40 प्रश्न की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। यदि आपको ये 40 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेंदी का खगोटी उत्सव कहाँ लगता है? गेंदी का खगोटी उत्सव कहाँ लगता है? ये लगता है बच्चों पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, गेंदी का खगोली उत्सव पौड़ी गढ़वाल में लगता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, छोटी नंदा देवी राजा यात्रा किस मंदिर से शुरू होती है? छोटी नंदा देवी राजा यात्रा किस मंदिर से शुरू होती है? ये होती है कुरुण मंदिर से शुरू होकर ये बेदनी बुग्याल तक जाती है। कहाँ तक जाती है भाई और बहनों? ये जाती है कुरुण बुग्याल से शुरू होकर बेदनी बुग्याल तक जाती है। कुरुण मंदिर से शुरू होकर बेदनी बुग्याल तक जाती है। अब नंबर तीसरा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का दशकीय वृद्धि दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का दशकीय वृद्धि दर कितनी है? यह है 18.81%। कितनी है? 18.81%। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई है US नगर में और सबसे कम हुई है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, अब आया तुम्हारा जांगड़ा क्या है? जागड़ा क्या है? जागड़ा है त्यौहार। ठीक है, अब आया पांचवा क्वेश्चन, देहरादून रेलवे स्टेशन को साफ सफाई अच्छी यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए आयोसा का दर्जा मिला? देहरादून जो रेलवे स्टेशन है ना, उसको साफ सफाई का अच्छी यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए आयोसा का दर्जा मिला। इसको मिला 2003 में। ठीक है, इसको मिला 2003 में। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2005 से प्रभावी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार अब पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान क्या है? पुत्रियों का भी हक है। ठीक है, एक बार और पढ़ो इसको। ये क्या कह रहा है कि 9 सितंबर 2005 से प्रभावित हिंदू उत्तराधिकार संशोधन हुआ ना 2005 में, उसके अनुसार क्या है, अब जो उनकी पैतृक संपत्ति है ना, जो उनके मम्मी पापा की है, जिसमें पहले पुत्रों का ही हक होता था, अब क्या होगा, उनकी पुत्रियों का भी हक मिल सकता है बराबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब आइए नंबर सातवें क्वेश्चन पे। ठीक है, नंबर सातवां क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना में यूपी को पीने के लिए 200 क्यूसेक पानी जाता है। टिहरी जो परियोजना बनी है ना, टिहरी पर जो बागनेथी पर जो बनी है, उसमें क्या होता है, जो यूपी के लिए जो पानी जाता है वो जाता है 200 क्यूसेक पानी जाता है। अब आते हैं आठवें क्वेश्चन पे, स्नो लेपर्ड योजना किससे संबंधित है? स्नो लेपर्ड योजना सुना भी होगा भाई और बहनों आपने। स्नो लेपर्ड योजना है हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए 1990 और 91 के बीच हुई थी। अब बात करते हैं नवे क्वेश्चन की, जो है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को विश्वविद्यालय दर्जा मिला? जो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना देहरादून में, इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? 1991 में। इससे ये पहले क्वेश्चन आ चुका है UK 80 में। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारा दसवां क्वेश्चन, क्या है, खेड़ा ताल किस ताल स्थित है? खेड़ा ताल कहाँ है भाई और बहनों? ये है उत्तरकाशी में। ठीक है, अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पे, भूकंप की जन जागरूकता के लिए उत्तराखंड की फिल्म कौन सी है? भूकंप की जो आपदा प्रभावित हुआ था ना 2013 में जो चमोली में आपदा हुई थी गढ़वाल मंडल में,
तो उस टाइम पे भूकंप की जागरूकता के लिए एक उत्तराखंड में फिल्म दिखाई गई जो थी डांडी कांडी की गोद माँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन पे। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़कर 50% कब किया गया? ठीक है, पंचायतों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है 33% से बढ़कर 50%, ये किया गया 2008 में। कब किया गया भाई और बहनों? ये किया गया 2008 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1886 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुमाऊं के ज्वालादत्त जोशी और दो अन्य नेताओं ने भाग लिया था। 1886 में, जैसे 1885 में हुए थे ना कांग्रेस की स्थापना, तो उसका तो दूसरे अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। तो उसमें जो हमारे कुमाऊं, उत्तराखंड के कुमाऊं से भाग लिया था ज्वालादत्त जोशी और दो अन्य नेता थे। ठीक है, और 14वां आ गया, अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसे दी थी? अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी सर कीर्ति साह को। किसको दी थी? सर कीर्ति साह को, 1898। ठीक है, अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे। कमलेश नगर कोटी का संबंध किससे है? कमलेश नगर कोटी का संबंध है भाई बहनों, ये है क्रिकेट से, बागेश्वर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें क्वेश्चन पर। यह है धूम सिंह। ठीक है, धूम सिंह नेगी को जमनलाल वजाज पुरस्कार मिला। धूम सिंह नेगी थे ना उत्तराखंड के एक महान व्यक्तित्व, उनको क्या हुआ? जमनलाल बजाज पुरस्कार मिला। अब जमनलाल बजाज के बारे में थोड़ा सा जान लो। टिहरी जिले के जो गांधीवादी शिक्षक थे ना, सर्वोदयी कार्यकर्ता और समाजसेवी धूम सिंह नेगी को ये पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए दिया गया। तो जो ये होता है ना जमनलाल बजाज पुरस्कार, ये दिया जाता है पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय काम करते हैं उनको दिया जाता है। इस बार किसको मिला है? धूम सिंह नेगी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? टिहरी जिले से, शिक्षक हैं इनका प्रोफेशन। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। एनडी तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल में हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भाई और बहनों, एनडी तिवारी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था नैनीताल में। कब हुआ था? 18 अक्टूबर 1925 को। और निधन देखो 18 अक्टूबर 2018 को, 18 अक्टूबर ही को हुआ इनका निधन भी। ठीक है, दिल्ली, नई दिल्ली में हुआ था इनका निधन 18 अक्टूबर 2018 को। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन। उत्तराखंड में पलायन आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? उत्तराखंड में पलायन आयोग का गठन किया गया उत्तराखंड से पलायन को रोकने के लिए। जो इसके तो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर SS बिष्ट थे। कौन थे? डॉक्टर SS बिष्ट। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। उत्तराखंड राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? उत्तराखंड राज्य में जो नेशनल हाईवे है ना टोटल, उसकी जो लंबाई है 2954.10 किलोमीटर है। उत्तराखंड राज्य में जो कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 2954.10 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन। खुले में शौच मुक्त राज्य के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? जो खुले में शौच मुक्त राज्य के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक, खुले में शौच से मुक्त में उत्तराखंड का अभी चौथा स्थान है। देखो भाई और बहनों, अभी चौथा स्थान है। इस पोजीशन को हमें अपने राज्य को फर्स्ट पोजीशन में लाना है, इसलिए हमें सबकी भागीदारी की ज़रूरत है। ठीक है, अब आते हैं 21वें क्वेश्चन पे। भारत में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो मेक इन इंडिया शुरू हुआ था ना, कोई भी प्रोडक्ट जो भी मेक इन इंडिया में ही बने, ठीक है, इंडिया में ही बने, मतलब तब के लिए तब हुआ था ये, कोई बाहर की चीज़ ना आई। इसकी शुरुआत हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कई कब करी थी? 25 सितंबर 2014 से। कब की थी? 25 सितंबर 2014 से। अब आते हैं 21 पे क्वेश्चन में। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा पारित उत्तराखंड चल नाम परिवर्तन विधेयक 21 दिसंबर 2006 का 52वां अधिनियम बना। जो हमारा जो उत्तराखंड का नाम चेंज हुआ था ना 1 जनवरी 2007 से, इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस अनुच्छेद में था? ये हुआ था अनुच्छेद 3 के तहत। और इसका जो विधेयक जो पारित हुआ था वो हुआ था 21 दिसंबर 2006 को। ये कौन सा अधिनियम था? 52वां अधिनियम।
और ये विधानसभा राष्ट्रपति की मंजूरी मिली विधानसभा में, इसको मिली थी 12 अक्टूबर 2006 को सहमति मिली थी, इसलिए 1 जनवरी 2007 से हमारे प्यारे देवभूमि का नाम उत्तरांचल से क्या मिला, उत्तराखंड। ठीक है, अब आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। रामायण, जो रामायण है ना, ये रामायण, रामायण क्या है, नृत्य है। ठीक है, रामायण मूल रूप से चमोली जनपद जोशीमठ ब्लॉक के सलूर डुंगरा में मनाया जाने वाला कौथिक या उत्सव है। रामायण क्या है बेसिकली, ये कि कौथिक या उत्सव है। ठीक है, ये कहाँ चमोली जनपद का है ये, इसको दो कब मिला था, इसको सांस्कृतिक श्रेणी विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को की, ये मिला था 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत में ले लिया था। किस बेसिस पर, सांस्कृतिक श्रेणी में विश्व धरोहर की धरोहर घोषित किया था। इसमें बेसिकली पांडवों से संबंधित है ये। ठीक है, इसमें कथा पाठ होती है पांडव की, 7-8 दिन कम से कम चलता है ये। अब आता है तुम्हारा 23वां क्वेश्चन, गुरुजी उत्तराखंड के किस व्यक्तित्व का नाम है। गुरुजी उत्तराखंड के किस व्यक्तित्व का नाम है, ये है लखपत सिंह रावत। मास्टर जी या गुरुजी दोनों उपनाम है इनके, इनके की थी 52 आदमखोरों बाघों की को मारा था इनने, 52 आदमखोरों, लखपत सिंह रावत ने 52 आदमखोरों को मारा था। ठीक है, इनके ये बेसिकली टीचर हैं, इसलिए इनको इनको इनके नाम पर ये रिकॉर्ड है। ठीक है, अब 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं, किस न्यूरोसर्जन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, कि जो न्यूरोसर्जन था ना एक, उसका जो था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, ये है डॉक्टर चरितेश गुप्ता। डॉक्टर चरितेश गुप्ता का क्या था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया। ठीक है, ये बेसिकली हिमालय इंस्टीट्यूट से संबंधित हैं। तो इनने क्या किया था, इनकी उपलब्धि क्या थी, इनने क्या किया था, एक मरीज की ब्रेन सर्जरी से, ब्रेन सर्जरी में एक साथ नट ट्यूमर निकाले थे, एक साथ नट ट्यूमर निकाले थे। अब आया तुम्हारा हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक है मदन चंद भट्ट। हिमालय के इतिहास पुस्तक के लेखक है मदन चंद भट्ट। ठीक है, अब आते हैं 26वें क्वेश्चन पे, खिलती कलियां योजना किससे संबंधित है। खिलती कलियां योजना किससे संबंधित है, यह 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण से बचाव के लिए योजना। खिलती कलियां योजना किससे संबंधित है, 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण से बचाव के लिए। ठीक है भाई और बहनों, अच्छा लग रही है तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत ज़रूरी है आप कार्य वालों के लिए। श्रीज तिल्लू रौतेली पेंशन योजना संबंधित है, तिल्लू रौतेली पेंशन योजना संबंधित है। 20 तिल्लू रौतेली जो पेंशन योजना है ना, इसमें क्या होता है, जो विकलांग है 20% से 40% जो विकलांग है उनको क्या किया जाता है, 800 रुपये पेंशन देने की का प्रावधान है। ठीक है, इसमें कोई इनकम का इससे कोई लेना देना नहीं है, किसकी इनकम ज़्यादा भी है तो उनको भी मिलेगा। तिल्लू रौतेली पेंशन योजना क्या है, 20 से 40% विकलांग होने पर प्रति माह क्या मिलता है, 800 रुपये पेंशन मिलती है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों 28 क्वेश्चन पे, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के भाषा वैज्ञानिक लेखक का नाम था। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन एक पुस्तक है, इसके लेखक भाषा वैज्ञानिक लेखक कौन है, गंगाधर उप्रेती। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब गीता, गीता का कड़वाली भाषा में अनुवाद किन विद्वानों ने किया था। ठीक है, गीता जो थी एक ग्रंथ था, इसका जो गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया था, इसमें क्या था, पंडित उमादन नथानी, आदित्य राम हो गया दूधपुड़ी तथा वचन सिंह नेगी। ठीक है, गढ़वाली साहित्य की के लिए जैसे सम्मान के प्रणेता हैं बुद्धिवल्लभ थपलियाल। ठीक है, गढ़वाली साहित्य के लिए जो जैसे सम्मान के प्रणेता हैं बुद्धिवल्लभ थपलियाल। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा 31वां क्वेश्चन, ठीक है, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड में 14 जून 1929 से 2 जुलाई 1929 तक कहाँ की यात्रा की थी,
कुमाऊं की, और गढ़वा और 16 से 24 अक्टूबर 1929 तक गढ़वाल की यात्रा की थी। बच्चों इसको ध्यान रखो, गांव से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है हर बार यूके 3+C में। महात्मा गांधी ने कुमाऊं में 14 जून 1929 से 2 जुलाई 1929 तक, ठीक है, 14 जून 1929 से 2 जुलाई 1929 तक कुमाऊं की थी, 16 से 24 अक्टूबर 1929 तक गढ़वाल की यात्रा की थी, ठीक है। अब आता है धरती पुत्र, धरती पुत्र का उपनाम क्या है, हेमलेती बहुगुणा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ऐसा होता है, पूरा टिपिकल नहीं आता, तो कोई भी क्वेश्चन पेपर में दो चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, सबको आते हैं। बीओडी का पूरा नाम क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बीओडी, ठीक है, बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे हम स्वच्छ जल की बात करें तो स्वच्छ जल का बीओडी क्या होता है, 1 पिकोमीटर, ठीक है। अब 34वां क्वेश्चन आ गया, ICPS का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। ICPS का जो फुल फॉर्म है ICPS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, एक योजना है, बाल सुरक्षा संबंधित है, ठीक है। भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, भारत में वन्य जीव सप्ताह जो होता है प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, ठीक है। लैंसडाउन गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया 21 सितंबर 1890 से, लैंसडाउन जो गढ़वाल है, जहाँ गढ़वाल राइफल का जहाँ पर मुख्यालय है लैंसडाउन में, उसका जो नाम अस्तित्व में आया लैंसडाउन, उसको 21 सितंबर 1890 का है, इसको ध्यान रखना डेट। किस मंदिर को पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है, कौन सा मंदिर जो उत्तराखंड का जो है पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है, या ऐसा ये इस मंदिर के इतिहास से पता चलता है कि यदि कोई महिला, यदि इस मंदिर में पुत्र प्राप्ति के लिए अपना जो भी यज्ञ हवन है तो करे तो उसको पुत्र प्राप्ति होती है। कनखल स्थित है हरिद्वार में, ठीक है, कनखल जो एक प्लेस है वो हरिद्वार में स्थित है। उत्तराखंड में कूड़ा जलाने का पर्व, यहाँ जो उत्तराखंड में जो कूड़ा जलाते हैं ना, कहीं भी होता है कूड़ा, उत्तराखंड में जो कूड़ा जलाने का जो प्रतिबंध है वो लगाया था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था उत्तराखंड में, ठीक है। अब लास्ट, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आ गया, मसूरी, ठीक है, मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, इसको लबासना भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसकी जो पहली महिला डायरेक्टर मिली है, वो मिली है उमा चौधरी, ठीक है। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी को पहली महिला डायरेक्टर मिली है, वो मिली है उमा चौधरी, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज आबकारी से संबंधित 40 क्वेश्चन, इसको ध्यान से बार बार देखिए और वीडियो स्किप ना करिए, और बार बार देखो तो आपको 40 के 40 क्वेश्चन दो बार वीडियो को देखने में ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोज़ को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले आबकारी की बढ़िया सी सीरीज चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ हो।